أيها النبي حرض المؤمنين على القتال के बाद सरपरस्त हैं और मसलके देवबंद के बानी हैं। उनसे लोगों ने सवाल किया है, पूछा है कि एक जमात कांग्रेस के नाम से बनी है, क्या उसके अंदर शरीक हुआ जा सकता है, जायज है? तो हजरत ने उसका जवाब लिखा है कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक हिंदू और एक मुसलमान कारोबार में शरीक हो सकता है, अगर वो कारोबार मजहब के लिए नुकसानदेह नहीं है, मजहब के मतलब ये कि शराब का कारोबार है, इजाजत नहीं, लेकिन अगर एक हलाल कारोबार है उसमें हिंदू मुस्लिम शरीक हो सकते हैं, इसी तरह मुसलमान कांग्रेस के अंदर बिरादरान वतन के साथ शरीक हो सकता है। और आप देखिए ये फतवा नुसरतुल अबरार के नाम से बार बार शाये होता रहा, गवर्नमेंट बरतानिया इसके खिलाफ आवाज उठाती रही और इसको कंडम करती रही और बार बार मुसलमान यहां शाये हो गया, यहां से उसको छीन लिया, दूसरी जगह शाये कर दिया, तीसरी जगह, उसका नाम है नुसरतुल अबरार, आज भी उसकी कॉपियां मिलती हैं।